इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिजी तो आज ही गूगल प्ले स्टोर ऐसी हमारे डाउनलोड कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी एनी टाइम स्टडी एनीवेयर हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो हाफ योर नाउ इन दिस स्टडी अबाउट सेंटर टैब्ड फुल वेव रिएक्टिफायर ठीक है तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फुल वेव रिएक्टिफायर और फर्स्ट टाइप का फुल वेव रिएक्टिफायर जो हमें स्टडी करना है वो है सेंटर टैब्ड फुल वेव रिएक्टिफायर ठीक है तो यहाँ पर सेंटर टैब्ड की क्या मीनिंग होती है ठीक है फुल वेव रिएक्टिफायर का सर्किट क्या होता है ठीक है आज की वीडियो में हम ये सब चीजें एनालिसिस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर जो है आपका प्राइमरी वाइंडिंग यहां पर अगेन आपका प्योर एसी ठीक है 220 ट्वेंटी वोल्ट आर एम एस और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स ये बिल्कुल सेम होगा जैसा आपने हाफ योर रिएक्टिफायर में स्टडी किया था ठीक है टर्न्स रेशियो एन वन अपॉन एन टू अब देखिए सेंटर टैप होने के कारण ये आपका बीच वाला पोर्शन जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में वो ग्राउंड हो जाएगा और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फुल वेवरी एक्टिफायर में कि आपके टू डायोड्स यूज होंगे जैसा कि हाफ वेव एयरफायर का अगर आपको सर्किट याद हो तो हाफ एवरी एक्टिफायर के सर्किट में सिर्फ एक डायोड था ये टॉप वाला लेकिन फुल वेवरी एक्टिफायर के सर्किट्स में टू डायोड्स यूज होंगे आपके देन आपका लोड रेजिस्टेंस होगा और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही आपको आउटपुट मेजर करना है ठीक है तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ट्रांसफार्मर आपका सेंटर टैप्ड है ठीक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी हाफ एक्टिव फायर में बता चुका हूं और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके टू डायोड्स होंगे तो यहां पर मैं कुछ वोल्टेज अज्यूम कर लेता हूं या कुछ पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं एक्स और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं वाई नाउ यहां पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टैप्ड है जो हमें ऑलरेडी पता है इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग बेसिकली आपकी दो हाफ में डिवाइड हो रही है एंड ईच हाफ में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दैट इज एन टू इसका मीनिंग क्या है देखिए आपने यहां पर एन वन अपॉन एन टू लिखा है ना टर्न्स रेशियो That means N1 क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग एन टू क्या शो करता है नंबर ऑफ इन सेकेंडरी सेकेंडरी वाइंडिंग वाइंडिंग लेकिन चूंकि यहां सेंटर है तो ये जो दो हाफ बन रहे हैं मीन्स ग्राउंड के ऊपर और ग्राउंड के नीचे दोनों में ही एन टू एन टू टर्नस होंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ना तो ये जो सेंटर टेप्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं साथ ही साथ देखिए मान लीजिए कि आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग का इनपुट वोल्टेज है वो क्या है 220 ट्वेंटी वोल्ट आर जो फिगर में भी हमने शो किया है और मान लीजिए कि आपका जो टर्न्स रेशियो है वो क्या है फाइव अपॉन वन है एन वन बाय एन टू तो इसका क्या मतलब होगा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना उसके हर एक हाफ में जो आर एम एस वोल्टेज होगा ठीक है वो कितना होगा टू ट्वेंटी 5. फाइव दीन्स फोर्टी फोर वोल्ट ठीक है तो फोर्टी फोर वोल्ट जो है आपका वो इस हाफ में भी होगा और ये नीचे वाले हाफ में भी होगा ठीक है ये नहीं करना है कि फोर्टी फोर का भी हाफ ऑफ कर देना है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ऐसा नहीं है एन टू का मतलब है नंबर ऑफ टर्न आपके ऊपर वाले हाफ की भी एन टू है और नीचे वाले हाफ की भी क्या है एन टू है क्लियर है अच्छे से तो ये आपका कंसेप्ट होता है सेंटर टैप का नाउ यहां पर जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ये है कि सेंटर टैप जो है आपका सेंटर टर्मिनल जो है आपका वो ग्राउंडेड है ठीक है जिसके कारण क्या होता है जो आपका इंस्टेटेनियस वोल्टेज होगा नोड एक्स और नोड वाई पर उन दोनों के एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं बट जो साइन है वो अपोजिट होते हैं दैट मीन्स वी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी ठीक है मीन्स यहां पर जो वोल्टेज होगा और यहां पर जो वोल्टेज होगा दोनों एम्पलीट्यूड वाइज तो सेम होंगे लेकिन दोनों का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा ठीक है तो अगर आपको याद हो हाफ वेव रिएक्टिफायर में एक ही वोल्टेज आता था क्योंकि हाफ वेक्टिव वे फार्म में तो आप सेंटर टेपिंग यूज करते नहीं थे तो उसमें वोल्टेज को आपने क्या एज्यूम किया था वी एम साइन ओमेगा तो जो आपका वी वाय होगा वो हो जाएगा माइनस वी एम साइन ओमेगा क्लियर है अच्छे से ये पॉइंट तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर रखना है कि जो वी एक्स है वो आपका क्या है माइनस वी वाय है क्लियर सो so, यहां पर अगर हम ड्रॉ करते हैं फिगर वी एक्स और वी वाय का तो जो वी एक्स है हमारा वो बेसिकली आपका क्या है प्योर साइन वेव ठीक है वीएम साइन ओमेगा टी तो वी एम मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव साइड माइनस वी एम नेगेटिव साइड अब अगर हम बात करते हैं माइनस वी एक्स की जो कि आपका वी वाय है तो बस आपको माइनस वी एम साइन ओमेगा टी ड्रॉ करना है तो जहां पॉजिटिव हाफ है आपका वहां क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव हाफ हाफ जहां है वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव हाफ ठीक है तो ये हो जाएगा आपका माइनस वी एम और ये टॉप में हो जाएगा प्लस वी एम ठीक है तो अब अगर हम केसेस देख ले यहां पर फुल वेव रिएक्टिव फार में तो केस वन बेसिकली केस वन आपका क्या होगा ये होगा जीरो टू ओमेगा टी टू पाई केसेस आपके सेम होंगे जैसा आपने हाफ वे रिएक्टिफायर में भी स्टडी किया था तो जीरो से पाई के बीच में जो वी एक्स है वो क्या है आपका पॉजिटिव और वी वाई क्या है आपका नेगेटिव ठीक है आप देख सकते हैं डायग्राम वाइज आपको देखना है जीरो से पाई ठीक है जीरो से पाई के बीच में आप देख सकते हैं वी एक्स की पॉजिटिव हाफ साइकिल है वी वाई की नेगेटिव हाफ साइकिल तो Vx आपका पॉजिटिव है और VY आपका नेगेटिव है तो यहां पर आप देख सकते हैं जब वी एक्स पॉजिटिव होगा तो ये जो D1 है, डी वन है फॉरवर्ड बायस और डायोड डी टू क्या हो जाएगा रिवर्स बायस तो बेसिकली अगर आइडियल कंडीशन लेके चले कि डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में क्या होगा शॉर्ट डायोडी टू रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो हम यहां पर अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड का तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर टेपिंग वोल्टेज एक्स वोल्टेज वाई देन यहां पर आर एल और ये आपका ग्राउंड और यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है आउटपुट और आप देख सकते हैं कि आपका जो ये डायोड है ये ओपन सर्किट है डी टू वाला जिसके कारण ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा लाइन ओपन हो जाएगी ये वाली लाइन ठीक है तो ये आपका सर्किट बन जाएगा यहां पर क्लियर सो so, यहां पर अगर हम बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज की वी आउट की तो वी आउट हमें जो कैलकुलेशन करना है तो आप देखिए यहां पर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए ये वी एक्स है तो ये वी एक्स क्या होगा आपका प्लस माइनस वी एक्स ठीक है नाउ अगर आप वीवाई भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये नॉर्मली प्लस माइनस VY बेसिकली ग्राउंड के साइड माइनस कर दीजिए नाउ यहां पर आप देखिए अगर आप केवीएल लगा दें ग्राउंड से ग्राउंड तक का तो आप देख सकते हैं माइनस वी एक्स प्लस वी आउट इक्वल टू इक्वल हो जाएगा Vx के VY की कोई नीडी नहीं हुई ठीक है ना इस ग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं तो वोल्टेज का पहला साइन माइनस वी एक्स प्लस आउटपुट हो जाएगा आपका वी आउट इक्वल टू वी एक्स तो बेसिकली हमारा आंसर आ रहा है Vx. तो जीरो से पाई के बीच में आपका आंसर आ रहा है Vx. मतलब ये देखिए आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गई ठीक है तो केस टू की अगर हम बात करते हैं केस टू तो केस टू में आपको ओमेगा टी की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है पाई से लेकर टू पाई तो अगर आप पाई से टू पाई लेते हैं तो आपका वी एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव एंड वी वाई क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव ठीक है आप यहां पर चेक कर सकते हैं देख लीजिए पाई से टू पाई वी एक्स नेगेटिव है वीवाई पॉजिटिव है क्लियर तो यहां पर आपको पता ही है कि जब वी एक्स नेगेटिव होगा तो जो ऊपर वाला डायोड है वो क्या हो जाएगा रिवर्स और जब वी वाई पॉजिटिव होगा तो जो नीचे वाला डायोड है वो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड ठीक है तो आपका डायग्राम क्या हो जाएगा इस कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका डायग्राम देख सकते हैं आप लोग आर एल और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस वी आउट नाउ फिर से अगर आप चाहें तो प्लस माइनस वी एक्स एंड प्लस माइनस वी वाई और अगर आप ध्यान से देखें नीचे वाले ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक दैट मीनस माइनस वी वाई माइनस वी वाई प्लस वी आउट तो वी आउट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी वी वाई के इक्वल तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड साइकिल में मीन्स पाई से टू पाई सेकेंड हाफ साइकिल में जो आपका वी आउट है वो वी वाई के इक्वल है ठीक है फर्स्ट हाफ साइकल में जो आपका वी आउट था वो वी एक्स के इक्वल था मीन्स जीरो से पाई में ये आपको मिला वी आउट और पाई से टू पाई में भी आपको ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ ही मिल गया That means, full wave की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका फाइनल आउटपुट निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा जीरो से पाई पाई से टू पाई टू पाई से थ्री पाई एंड सो ऑन क्लियर है अच्छे से तो आपको हमेशा ही आउटपुट मिलने वाला है जबकि हाफ वेव रिएक्टिफायर में क्या हो रहा था जीरो से पाई में डायग्राम सेम मिल रहा था लेकिन पाई से टू पाई में जीरो मिल रहा था फिर टू पाई से थ्री पाई में सेम मिल रहा था फिर थ्री पाई से फोर पाई क्या बट यहां पर आपको किसी भी आप हाफ में चले जाइए किसी भी हाफ साइकिल में चले जाइए आपको आउटपुट जरूर मिलेगा क्लियर है अच्छे से यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको डायग्राम वाइज या आपको साइकिल वाइज नहीं देखना है कि कब वी एक्स पॉजिटिव है कब वी एक्स नेगेटिव है आपको अपने फिगर में हमेशा ही यही नोटेशन यूज करना है प्लस माइनस वी एक्स और यहां पर भी नीचे से प्लस ऊपर माइनस वी वाई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके माइंड में और आप देखना आंसर हमेशा वैसे ही आएगा जो कि स्टैंडर्ड है है क्लियर अच्छे से तो ये आपका फुल वेव के केस में आउटपुट वोल्टेज का डायग्राम हो गया ठीक है बेसिकली अगर आप बात करते हैं फुल वेव रियक्टिफायर को तो फुल वेव रिएक्टिफायर जो है वो कॉम्बिनेशन है टू हाफ वेव रिएक्टिफायर का ठीक है ना इसी कारण आप देख सकते हैं कि आपको जीरो से पाई में भी आंसर मिल रहा है और पाई से टू पाई में भी आंसर मिल रहा है क्लियर नाउ जिस तरीके से हमने हाफ वेव में बहुत सारे किए थे हम लोग फुल वेव में भी बहुत सारे पॉइंट्स स्टडी करेंगे सो फर्स्ट पॉइंट जो हमें स्टडी करना है फुल वेव के, के केस में वो है आपका इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट सेम पॉइंट हमने हाफ रियक्टिव फायर के केस में भी स्टडी किया था ठीक है तो यहां पर अगर मैं केस वन की बात करता हूं तो केस वन में आप देख सकते हैं कि आपका जो डायोड वन था वो क्या था आपका फॉरवर्ड बायस और डायोड डी टू क्या था आपका रिवर्स बायस था ठीक है तो यहां पर अगर आपको आई फाइंड आउट करनी है तो आपको केवीएल लगाना पड़ेगा सिंपल सा लॉजिक है यहां पर ठीक है तो आप देखिए केस वन के लिए ऑलरेडी आपने फिगर ड्रॉ कर रखा है यहां पर ठीक है तो अगर आपको आई फाइंड आउट करनी है जो आउटपुट से फ्लो हो रही है इंस्टेंटेनियस आई तो आप देखिए माइनस वी एक्स ठीक है प्लस आई आर एल इक्वल टू जीरो यही होगा केवीएल लेकिन अगर डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस है तो अगर मैं नॉन आइडियल केस लेकर चलूं तो फॉरवर्ड बायस में जैसा हमने हाफ वे और रिएक्टिफायर में भी किया था फॉरवर्ड बायस में आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है आर एफ तो अगर आप फिर से केवीएल लगाते हैं तो अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें तो माइनस वी एक्स प्लस आई इंटू आर एफ प्लस आई इंटू आर एल इक्वल टू जीरो ठीक है तो बाई केवीएल कितना हो जाएगा माइनस वी एक्स प्लस आई आर एफ प्लस आर एल इक्वल टू जीरो तो यहां से आपको मिल जाएगा आई का फॉर्मूला आई आपको कितना मिल जाएगा वी एक्स अपॉन आर एफ प्लस आर एल और वी एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी वी एम साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल यहां से आई आ जाएगा आपका जिस तरीके से हमने हाफ व्यक्टिव फायर में लिखा था कि वी आपका वीएम आपका बेसिकली मैक्सिमम वोल्टेज है तो vm अपॉन rf प्लस rl क्योंकि rf प्लस rl कांस्टेंट है तो i भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा दैट इज im sin ओमेगा t क्लियर है अच्छे से तो ये हो गया आपका i 0 से पाई के बीच में नाउ केस 2 की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो केस 2 में दैट मींस पाई से लेकर 2 पाई तक पाई से लेकर 2 पाई में अगर आप देखें आपने फिगर ऑलरेडी बना रखा है यहां पर ठीक है ना केस वाला फिगर तो अगर आप देखें आई जो है आर से जब फ्लो होगी ठीक है तो केवीएल आप लगा सकते हैं माइनस वी वाई देन डी टू आपका फॉरवर्ड है मतलब नॉन आइडियल केस में आप आर एफ रजिस्टेंस ले सकते हैं तो माइनस वीवाई प्लस आई इंटू आर एफ प्लस आई इंटू आर एल इक्वल टू जीरो तो जो आपका केव हो जाएगा माइनस वी वाई प्लस आई आर एफ प्लस आर एल इक्वल टू जीरो तो जो आपकी आई की वैल्यू होगी वी वाई अपॉन आर एफ प्लस आर एल ठीक है तो यहां पर आपको पता ही है कि वी वाई की जो वैल्यू है माइनस वी एक्स मतलब माइनस वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आर एफ प्लस आर एल ठीक है, नाउ यहां से जो i है हमारा वो कितना हो जाएगा माइनस आई एम साइन ओमेगा ठीक है तो आपको i की जो वैल्यू है वो माइंड में रखनी होगी कि i की वैल्यू जीरो से पाई तक i की जो वैल्यू है हमारी जीरो से पाई तक कितनी होगी आपकी जीरो से पाई तक हो जाएगी आपकी आई एम साइन ओमेगा टी और पाई से टू पाई तक कितनी हो जाएगी माइनस आई एम साइन ओमेगा टी ठीक है नाउ जो करंट का यूज करके नेक्स्ट फॉर्मूले जो हमें कैलकुलेट करने हैं लाइक डीसी आउटपुट करंट, आरएमएस आउटपुट करंट और आरएमएस एसी आउटपुट करंट, ठीक है उसके बाद रिपल फैक्टर जो हमने हाफ वेयर रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट किया था ये सारी वैल्यूज हम नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे आज मुझे बस आपको बेसिक कंसेप्ट बताना था सेंटर टेप फुलर का और आपको करंट और वोल्टेज के इक्वेशन से फेमलियर कराना था तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने इंस्टेटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन देख लिया और इंस्टेटेनियस करंट का भी इक्वेशन देख लिया नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर लेंगे ठीक है थैंक यू अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं